इधर पीएम मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बढ़ते कोरोना के मामलों पर समीक्षा बैठक की और इस बैठक के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए। महाराष्ट्र के बाद यूपी में कोरोना का सबसे ज्यादा कोहराम है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी रोज कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज पीएम ने काशी का हाल जानने के लिए अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पीएम ने एक बार फिर दोहराया कि दो गज दूरी और आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा कि प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ वाराणसी के लोगों की हर संभव मदद करे। पीएम ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाए। वाराणसी में कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने के लिए पीएम ने एक बार फिर ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि लोगों को पहली वेव की तरह ही दूसरी वेव से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पीएम ने वाराणसी में कोरोना को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिले में समुचित उपचार, टेस्टिंग, बेड और दवाइयों से जुड़ी जानकारी ली। हालांकि बैठक के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि ने मीडिया को कुछ भी नहीं बताया और चलते बने। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।